मैं रोहित कुमार चौधरी आपका SRPS यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका में एक्स तथा वाई का समानुपात है या नहीं ज्ञात कीजिए। एक बार देख लीजिए इसको, समानुपात का झंझट खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। ठीक, कि समानुपात कैसे होता है। समानुपात के मतलब क्या है, जितना मान लीजिए कि जितना दूध इसमें है उतना ही दूध क्या होना चाहिए इधर, तो इसी को हम क्या कहते हैं समानुपात। इसी को क्या कहते हैं समानुपात। समानुपात यानी दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चलिए तो एक्स बाई वाई, एक्स बाई वाई, एक्स बाई वाई। चलिए तो एक्स के रूप में क्या है थ्री, वाई के रूप में क्या है टू, दिक्कत नहीं है। इसी के बराबर ये भी रहेगा यानी कि 6/24, यहां क्या रहेगा 15/45 इजकल टू 20/60 इजकल टू 30/120। दिक्कत नहीं है इसमें। समान अनुपात का मतलब हुआ कि जितना इधर है उतना ही इधर होना चाहिए। दिक्कत नहीं है, मतलब इस सब क्या होना चाहिए एक बराबर होना चाहिए। सब क्या होना चाहिए एक बराबर, एक बराबर होना चाहिए, तभी हम इसको क्या कहेंगे समानुपात कहेंगे। क्या कहेंगे समानुपात कहेंगे। चलिए देखते हैं, तीन एकम तीन, तीन चौके बारह, छह एकम छह, छह चौका चौबीस। चलिए पंद्रह एकम पंद्रह, पंद्रह तिया पैतालीस, बीस एकम बीस, बीस त्याय सात, तीस एकम तीस, तीस चौके एक सौ बीस, एक सौ बीस। चलिए देखते हैं बराबर है कि नहीं। एक्स बाई वाई इजकल टू 1/4, 1/4, 1/3, 1/3, 1/4। तो समान अनुपात का मतलब क्या बताए थे कि सभी क्या होना चाहिए आपस में बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ 1/4 बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 3/4 क्या बराबर हो सकता है, नहीं नहीं हो सकता है, यानी कि समान अनुपात नहीं, 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 नहीं। और भी देख लेंगे, ये दोनों बराबर है, फिर ये दोनों बराबर है नहीं, नहीं है, इसीलिए क्या है समान अनुपात नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, समानुपात नहीं है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें सर। चलिए इसी प्रकार से अब इसको देखना है। चलिए देखिए यहां, यहां और लिख सकते हैं एक्स बाई वाई। इधर देखिए इसका नाम भी दे सकते हैं, इसको एक्स वन, इसको वाई वन, इसको एक्स टू, इसको वाई टू, ऐसे देख लो। एक्स वन मतलब इधर वाला क्या है एक्स वन, ये क्या वाई वन, ये क्या एक्स टू, ये क्या वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, एक्स फोर, ये क्या हो जाएगा वाई फोर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वन वाई वन, ठीक, इजकल टू एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, एक्स फोर वाई फोर। ऐसे क्यों लिखे हैं, क्योंकि सवाल पूछ रहा है समान अनुपात है, तो इसीलिए हम सबके बीच में क्या दिया है बराबर दिया है। समान बराबर के मतलब क्या, समान है, दोनों समान। एक समान है, ठीक। चलो देखो तो यहां x, ठीक, चलिए x बाई वाई, यहां देखिए x1 एक है, x2 कितना है वो 1.5 है। चलिए x2 कितना दिया है, x2 लिख लेते हैं 3, वाई टू कितना दिया है 4.5, एक्स थ्री कितना दिया है 9,
वाई थ्री 13.5, एक्स फोर 20, एक्स फोर कितना दिया है 20 और वाई फोर 30। 30 चलिए देखते हैं समान अनुपात है कि नहीं। देखिए तीन से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 15 बार में, 15 दिया 45, दशमलव एक स्थान के इधर है, इधर बैठा दीजिए। 9 से काटेंगे एक रखे 15 × 9 = 135, यानी कि ये भी 1.5 हो गया। चलिए इसको काटिए, इससे दिक्कत नहीं है, नहीं सर। चलिए अब दो से क्या करिए, इसमें भागा दे दीजिए, चाहे इसको इसमें भागा दे दीजिए, ऊपर वाला आ जाएगा। चलिए तो देखिए यहाँ दो से दो एकम दो, अब दो से तीन में भागा करेंगे ना तो 1.5 ही आएगा, दो एकम दो, दो बचेगा एक, यहाँ बैठा देंगे दशमलव, यहाँ बैठ जाएगा जीरो, दो पचे 10। दिक्कत नहीं है, नहीं। एक ऊपर भी नहीं काटेंगे, नीचे भी काट सकते हैं ना, उतना ही बट्टा में हमारा हो जाएगा 1.5। चलिए एक्स बट्टा वाई क्या 1.5 बराबर इसका क्या आ गया 1.5, इसका भी क्या आया है 1.5, इसका भी क्या आया है 1.5, और हाँ चलिए सबका हो गया, इसका ये वाला और ये वाला सब बराबर है कि नहीं है, है। सब बराबर है ना, यस सर। तो इसीलिए क्या है, समान अनुपात है, क्या है समान अनुपात। यहाँ पर यहाँ यह लिख सकते हैं कि यह समान अनुपात नहीं है, इसको कर सकते हैं कि यह समान अनुपात है, दिक्कत नहीं ना।